लास्ट डे हम लोगों ने देखा था, स्टार्ट किया था 1909 का दिन, जिसे हम लोग पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उस समय भारतीयों की स्थिति जो बन रही थी वो काफ़ी जागरूकता आ गई थी। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो अपनी बातों को प्रखरता से रख रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर कुछ सुधार करने की प्रयास में लगी हुई थी। साथ ही साथ वो यह भी चाह रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जो एकता है भारत में, भारतीय लोगों की, उसमें कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि ये अपनी डिमांड को समय के साथ बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाते रहें, और आगे बढ़ाते बढ़ाते ये कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आज़ादी की भी मांग करने लगे। तो उस नाते उनको उसी चक्रव्यूह में उलझाना बहुत मुश्किल था। उसी प्रोसेस में उन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का की न्यूज़ में डाल दिया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इस अधिनियम से कुछ बहुत विशेष चीज़ें भी हुई, जैसे भारतीय प्रशासन में, यानी भारतीयों का जो अभी तक का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म होने के बाद में जो भारत सचिव की जो परिषद थी, ठीक है, जिसमें भारत सचिव हुआ करते थे और उसमें 15 सदस्यीय कार्यकारिणी हुआ करती थी ना, उनकी कहाँ रहती थी कार्यकारिणी? लंदन में रहती थी। बाकी लोग नहीं पढ़े हैं क्या? तो लंदन में रहती थी। उस कार्यकारिणी में भी भारतीय मेंबर्स को जोड़ा गया जिनका कार्य था विधि बनाने का, कानून बनाने के लिए। तो यानी कि इसी अधिनियम के तहत भारतीयों का कानून में भी सहभागिता की स्टार्टिंग हो गई, और उसके साथ ही साथ वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें भी जो विधि सदस्य थे, एमपी सिन्हा साहब पहले सदस्य बने जो कि भारतीय सदस्य थे, जो उसमें शामिल किए गए। यानी कि भारत के लोगों का विधि बनाने में और प्रशासन दोनों में ही एक तरह से मध्यस्थता शुरू हो गई। वो अलग बात है कि वो कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन प्रोसेस की स्टार्टिंग यहीं से हो चुकी थी। आगे चल करके देखेंगे जो आज हमारा स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसके बाद में मॉन्टेग्यू चिल्सफोर्ड सुधार आएगा 1919 का, उसमें आप देखेंगे जो कि 10 साल बाद इसके आता है, उसमें आप देखेंगे तो आज जो वर्तमान स्वरूप हम लोगों का सदन दिखाई देता है, यानी कि आज लोकसभा का स्वरूप या राज्यसभा का स्वरूप, यानी कि ये संसद का जो स्वरूप दिखाई देता है, संसद हमारी जो बनी हुई है लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके, इस स्वरूप की भी उत्पत्ति हो जाती है। आगे चल करके आप देखेंगे कि 1919 का भी जस्ट बाद आज ही हम लोग पढ़ेंगे उसको, और उसमें आप देखेंगे कि द्वैत शासन की ढाई आरसी की व्यवस्था जो है प्रांतों में कर दी जाएगी, और केंद्रीय विधानमंडल जो है, जो केंद्र की व्यवस्था यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती है सेंट्रल में बैठती है, उसमें आप देखेंगे तो उसके उसका जो सदन होगा वो दो तरह का सदन बन जाएगा, एक तो आपका राज्य परिषद बनेगी और दूसरा विधानसभा का गठन होगा। तो राज्य परिषद जो आज वर्तमान समय में राज्यसभा देखते हैं आप उच्च सदन के रूप में जो दिखता है वह परिषद होगी, जिसमें गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए अपनी परिषद के मेंबर्स के साथ रहेगा। थोड़ा बात को ध्यान से सुनिएगा आप। फिर दूसरी परिषद एक होगी कि जो भारत के जो लोग होंगे जो निर्वाचित होकर के आएंगे उनके साथ में वो एक सदन वो बनेगा, जैसे लोकसभा के रूप में आज वर्तमान स्वरूप में जो लोकसभा आप देखेंगे वह स्वरूप भी इस्टेब्लिश होगा, और उसका हेड जो है गवर्नर जनरल होगा। तो इस तरह का स्वरूप भी आपको देखने को आगे के प्रोसेस में मिलता जाएगा। यहीं से ही आपकी जो भारतीय स्वरूप दिखता है आज की डेट में, अगर हम बात करें कि भारतीय संसद में, तो तुरंत हम लोग बात क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को उसमें मेंशन करते हैं, हमारी संसद कंप्लीट हो जाती है। तो यह स्वरूप आपको अगले अधिनियम से ही, आपको 1919 के अधिनियम से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसको आपको फील करना, मैं बार बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस चीज़ को महसूस करेंगे कि संवैधानिक विकास का क्या औचित्र है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इतना टाइम हमको इसमें क्यों लग रहा है। यह स्वरूप आप समझ लेंगे तो आगे की चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी, और आप फिर अच्छे से मेंस लिख भी पाएंगे, ठीक है। और ये मत सोचिए कि इसको मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हिस्ट्री के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी आता है मॉडर्न हिस्ट्री का सेम पार्ट इसी से में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे एक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब आप इसके अलावा देखेंगे कि मैंने आपको बताया अभी कि एमपी सिन्हा जो है वायसराय की परिषद के मेंबर बनते हैं, इसके अलावा दो सदस्य और हैं जो भारत सचिव और प्लस उसकी जो परिषद 15 मेंबर्स वाली परिषद रहती है उसमें दो भारतीय सदस्यों को भी मतलब नियुक्त किया जाता है, जो कि कहाँ रहती है, ब्रिटेन में रहती है, वहाँ पर दो सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। कोई बच्चा बता पाएगा दो सदस्य कौन कौन से? कैसे क्या
क्या क्या नाम बताया? केसी गुप्ता सैयद हाँ केसी गुप्ता और सैयद हुसैन कुलग्रामी जी, ये दो सदस्य, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये दो सदस्य ऐसे थे जो कि उनकी परिषद में वहाँ जोड़े गए और ये क्या करते थे, विधि बनाने में सहयोग करेंगे आपका, मतलब वहाँ पे जो कानून बनता था भारत के लिए, जो कानून बनाने वाली इकाई कहाँ थी, वहीं पर थी ना। तो ये तो वायसराय जो थे ये तो एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करते थे, कानून सब बनाते थे, कौन वो लोग बनाते थे भारत में सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है, सचिव महोदय और दोनों मिल करके काम करते थे, यानी सचिव और ये वायसराय, यानी कि उसको कही गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए, ये दोनों लोग संयुक्त रूप से मिल करके कार्य करते थे। इवन ये 1919 के अधिनियम के बारे में जब पत्र व्यवहार करते हैं यहाँ के वायसराय महोदय, कौन रहते हैं वायसराय, मिंटो रहते हैं, मिंटो क्या करते हैं, मार्ले से पत्र व्यवहार में कहते हैं कि 1909 के अधिनियम के बारे में कि हम लोगों ने जो ये बीज बोया है, यानी कि जो दांत सांप के दांत बोए हैं, ये आगे चल करके बहुत ही विनाशकारी होंगे भारत के लिए। और विनाशकारी का स्वरूप आप देखते हैं लगभग करीब में 40 ईयर यानी 40 साल बाद देखते हैं पाकिस्तान के रूप में उपज हो जाती है हमारे राष्ट्र की, हमारा राष्ट्र दो खंडों में विभक्त हो जाता है। अगर भारत पाकिस्तान शायद संयुक्त रहा होता, संभवतः आशा की जा सकती है इस बात की कि शायद आज इस पटल पर भारत की स्थिति कुछ और रहती, जो संघर्ष के तनाव में हमारा जो पूरी शक्ति और जो ऊर्जा दोनों कंट्रीज की लगी वो शायद स्थितियाँ ना होती। आपने देखा कि दो दो प्रत्यक्ष रूप से बड़े युद्ध हुए हैं, और अगर हम कारगिल के युद्ध को भी ले लें तो 3-3 युद्ध भी लड़ चुके हैं जब से हम आज़ाद हुए, 70 सालों में 3-3 युद्ध लड़ चुके हैं, वो भी अपने सेम अपने भाई से लड़ चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, पूरी जब युद्ध की स्थिति बनती है तो इसका मतलब पहले का जो माहौल होता है वह गवर्नमेंट्स को, सरकारों को कहीं ना कहीं विकास से हटा करके दूसरे मुद्दों पर लगा देता है। तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों इसी संघर्ष में बने रहे और ये सब देन रही है यहीं के अधिनियमों के उपज है। एक तरह से कहिए, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ घटना होती है तो उसकी जड़ें उसकी गहराई में जब जाते हैं तो वो वही होता है। तो भारत का जो विभाजन दिखता है वो उसकी स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। भारत विभाजन का एक तरह से कहिए कि आधार बिंदु वहीं से, बिगनिंग यहीं से होती है, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा सा आपका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर के इसके साथ चलेंगे आप लोग। चलिए फिर मेंशन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। तो इसमें हम लोगों ने कहाँ तक कुछ कंप्लीट किया था? अच्छा हाँ, इसमें हम लोगों ने देखा था कि सदस्यों के बारे में देखा था कि यहाँ पर दो चीज़ें थी, एक तो गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा बेटो बेटा, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी थी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, यानी जो केंद्र में व्यवस्था थी, उस केंद्र में व्यवस्था में आपने देखा था वहाँ की मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई, कितने सदस्य बढ़ा दिए गए थे केंद्र में, जो निर्वाचित, जैसे एक मैंने आपको बताया था, एक तो आपका वायसराय होता था और इस वायसराय की 6 सदस्य होती थी, क्या होती थी, एक कार्यकारिणी होती थी, ठीक है, या इसको वायसराय या इसको गवर्नर, इसकी कार्यकारिणी 6 सदस्य की होती थी। ये तो एक गवर्निंग बॉडी हुआ करता था, ठीक है, जो कि अपने आप में एक प्रशासन जो देखता था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त होने के बाद ये निकाय था आपका जो कि भारत में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, कानून बनाने का कार्य था सचिव और प्लस उसकी परिषद का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या सारी व्यवस्था देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी। अब भारतीयों की जो सहभागिता की है, इसके साथ में एक सदन बनाया जाता है जिसमें आप लोगों को मैंने इस वाले एक्ट में बताया है कि सदस्यों की संख्या लगभग 60 कर दी जाती है, लगभग के 60 कर दी जाती है, जिसमें से आप लोगों को बताया गया था 2 भागों में बांट दिया जाता है, इसमें से क्या होता है 34 सदस्यों को निर्वाचित कर दिया जाता है और बाकी को ये आपके 34 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य कर दिए गए, सदस्य याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी, प्रांतों में 50 कर दी गई थी, छोटे प्रांत में 30 कर दी गई थी, याद है, तो वो चीज़ें यहाँ की हैं। तो जो 60 मेंबर हुआ करते थे, ये 34 मेंबर क्या होते थे, निर्वाचित होते थे और उसके अलावा जो मेंबर होते थे वो क्या होते थे, 34 मेंबर से 36 होता था, ठीक है, ये क्या होते थे, ये सदस्यों के बारे में संरचना, तो केंद्रीय संरचना थी, इसी तरह से प्रांत की संरचना में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, समझ रहे हैं ना, क्या है ये, क्या है भारतीय, कौन है भारतीय। अब ये लोग क्या करते थे, अपनी बातों को रखेंगे, है ना, बातों को रखेंगे, ये यहाँ की बात हो रही है, केंद्रीय कार्यकारिणी की बात हो रही है, केंद्रीय कार्यकारिणी, ठीक
केंद्रीय कार्यकारिणी आती है जो कि सेंट्रल में बैठी हुई है। अभी प्रांतों की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर सेम ऐसी ही संरचना आपको देखेगी प्रांतों में भी। प्रांतों के मेंबर्स की संख्या जो होगी वो 50 होगी, छोटे प्रांत अगर होंगे तो वहाँ पे सदस्य की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। समझ रहे हैं बात को, एक एक कॉन्सेप्ट लीजिए, अभी आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो रहा है सेंट्रल में, सेंट्रल में क्या हो रहा है, गवर्नर और प्लस उसकी परिषद है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम प्रांतों में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है तो वहाँ गवर्नर हो जाएगा और प्लस उसकी परिषद होगी। समझ रहे हैं बात को, उसी तरह से ये जो सदस्य है, ये 60 सदस्य, यही एक तरह से कही है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो शुरू हो रही है, संसदीय जो व्यवस्था शुरू हो रही है, जिसे आप लोकसभा या राज्यसभा कह रहे हैं, कहीं कहीं स्वरूप ये दिख रहा है यहाँ पर, यहीं से स्टार्टिंग आती है। तथ्य करते चलिए, फिर हम आपके पास अभी इस पर और भी बातें आपको करते रहेंगे। ठीक है, और दूसरे दो बातें बताई थी कि ये जो सदस्य हुआ करते थे, ये 60 जो सदस्य हुआ करते थे, 60 सदस्य, ये कहाँ से और कैसे मतलब इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें भी थोड़ा देखने की जरूरत है। एक तो आप जान लीजिए कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसमें भी मैंने अभी बात कही आपसे 1919 के अधिनियम में, इसमें दो सदस्य जोड़े जाते हैं, सॉरी एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ते हैं, भारत सचिव वाली परिषद में दो सदस्य जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही स्वरूप आपका यहाँ से बिगनिंग हो रही है इसकी, कि मेंबर्स जो है वो इसमें ऐड होते जा रहे हैं, भारतीय मेंबर। तो ये भारतीय मेंबर कैसे निर्वाचित होते हैं, ये इनकी निर्वाचन की विधि के बारे में हमने आपको बताया था। तो चार तरह के सदस्यों के बारे में बताया था, एक कहा था पदेन सदस्य, दूसरा कहा था सरकारी नामित सदस्य, और तीसरे कहे गए थे क्या गैर सरकारी नामित सदस्य, और उसके बाद में चौथा क्या था निर्वाचित था। तो ये जो सरकारी और गैर सरकारी, इसके पहले पदेन सदस्यों की बात कही गई थी, तो पदेन सदस्य ध्यान से सुनिएगा, ये पदेन सदस्य जो मेंबर हुआ करते थे, ये होते थे गवर्नर जनरल की परिषद में पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते थे, और अगर प्रांतों की बात करेंगे तो प्रांतों की जो गवर्नर की परिषद हुआ करती थी उसमें नामित किए जाते थे। ये पदेन मेंबर यानी कि चार मेंबर। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए निर्वाचित सदस्यों के बारे में बताया, नामांकित सदस्यों के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वाचित, नामांकित, तो नामांकन का दो श्रेणी पर लाया गया था, एक तो सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, नोट है ना। तो ये दो कैटेगरी हो गई थी। पदेन सदस्यों के बारे में जो चार कैटेगरी आपने देखी है, एक तो जो निर्वाचित था, निर्वाचन को फिर तीन कैटेगरी में बांटा गया था, याद आ रहा है कुछ दिमाग में, हिस्ट्री याद आ रही है। तो उसमें जो चार सदस्य, जो चार कैटेगरी बनाई गई थी, एक पदेन सदस्यों की बनाई गई थी, दूसरी थी सरकारी सदस्यों की, है ना, पदेन जो नामांकित किए जाते थे, दूसरी थी गैर सरकारी सदस्यों की, तीसरी थी निर्वाचित, चौथी थी निर्वाचित सदस्यों की, ठीक है। निर्वाचन वालों को फिर तीन कैटेगरी में बांटा गया था, कौन कौन सी कैटेगरी थी, साधारण थे, विशेष वर्ग से, और विशेष थे, ये स्टडी थी ना आपकी। तो वहाँ पर जो पदेन सदस्यों के बारे में है, वह गवर्नर जनरल की परिषद में और गवर्नर की परिषद में सदस्य जो नियुक्त होते थे उनके लिए है, कुछ समझ में आई बात। और बाकी तो ये आपको निर्वाचित और नामांकित वाले देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करते हैं बच्चों, 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु आई थिंक ये टॉपिक हो चुका था हम लोगों का, सॉरी ये हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। और मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करो और फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे ना, यहाँ तक हो गया था। चलिए फिर से हम लोग उसको नेक्स्ट पैसेज चेंज कर दीजिए, उसको वो रिपीट हो रहा था, आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय जो सदस्य आते थे, आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बात होनी चाहिए कि ये जो सदस्यों की संख्या ये वाली है, आप इसको भी ना दिमाग में रखें, क्योंकि दिमाग में दिमाग कर सकते हैं ये क्या हो रहा है। केंद्रीय कार्यकारिणी, यहाँ पे सदस्यों की संख्या 60, अगर एक प्रांतीय कार्यकारिणी होती तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या हुआ, सभा की जगह पर या गवर्नर जनरल की जगह पर क्या होते थे, गवर्नर होते और गवर्नर की परिषद होती और प्लस सदस्यों की संख्या, अगर बड़े चार राज्यों में, अगर आप चार प्रांतों की बात करेंगे तो सदस्यों की संख्या 50 थी, कौन कौन से थे, बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था और उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत आप कहिए या उत्तर प्रदेश वाला प्रांत था, ये चार थे जहाँ सदस्यों की संख्या 50 थी। वही चीज़ें अगर देखेंगे, छोटा अगर देखेंगे तो गवर्नर हो जाएगा, फिर गवर्नर के साथ में सदस्यों की संख्या और हो जाएगी,
समझ में आ रही बात ना। तो ये संख्या आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये परिषद एक तीन संरचना एक तरह से बन करके आपके आएंगी, इसको तीन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आप प्रांत कहेंगे। अब यहाँ छोटे प्रांत बड़े प्रांत कहेंगे, ठीक है। ये प्रांतों की स्थिति ऐसी थी और उसके बाद ये थे कि तो केंद्रीय कार्यकारिणी, मैंने यहाँ मेंशन किया ही है, केंद्रीय कार्यकारिणी थी आपकी यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो वहाँ पर संरचना भी है 60 सितंबर। अब ये जो सदस्य हुआ करते थे ये राय थे, ये राय थे, है ना, और राय के आधार पर इसमें कार्य अभी चलेगा। फिर आगे चल करके यही कार्यकारिणी में 1919 के अधिनियम में जब चलेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको देखने की मिलेगी कि इस जो प्रांतों की जो कार्यकारिणी है इसमें कुछ मतलब बंटवारा होगा, आरक्षित विषय करे जाएंगे, हस्तांतरित विषय किए जाएंगे, तभी आगे आप लोग देखेंगे। तो इसमें शक्तियाँ दी जा रही हैं, क्या हो रहा है प्रांतों में और केंद्र में दोनों जगहों पर क्या हो रहा है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। जैसे बजट पे बहस करने की शक्ति आपने देखा था 1892 के अधिनियम में ही देखा था कि बजट पे बहस करने की शक्ति दी गई थी यहाँ उसमें, लेकिन वहाँ पर क्या अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1909 में अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, यानी कि आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा, है ना। ये सब कुछ फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। चलिए, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किंतु सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों? बजट पर चर्चा करने मतलब मतदान करने का पावर नहीं दिया गया, इसे क्या मतलब स्पष्ट हो रहा है, यानी कि वित्तीय शक्ति अभी भी इनसे छीनी गई थी, यानी कि ये किसी भी धन की डिमांड उस रूप में नहीं रख सके, केवल एक तरह से निवेदन के स्वरों में कह सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, है ना। बजट के रूप में इनका कुछ पावर इनको नहीं थी, यानी वित्तीय शक्ति इनके पास नहीं थी कि कुछ अपना बजट लगवा के ये काम करा सके, ये केवल निवेदन कर सकते थे। आगे बच्चों, इस अधिनियम के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट चेंज कर लीजिएगा पैराग्राफ, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों में प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों में दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा तथा सर्वप्रथम भारत परिषद इसको और क्या नाम कह सकते हैं बच्चों? हाँ, कहाँ बैठती थी अभी बात आपने की?
ब्रिटेन में, तो इसमें रिलीज किए जाएंगे। और दूसरा होगा वायसराय की परिषद, वायसराय की परिषद। दोनों में क्या होगा, भारतीयों का प्रतिनिधित्व प्रदान होगा, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद, भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो सदस्य आते थे जो कि किसमें थे, भारत परिषद या भारत सचिव परिषद में जो भारतीय नागरिक सदस्य थे, एक तो केसी गुप्ता जी थे, दूसरे सैयद गामी जी थे। और इसी तरह से वायसराय की जो परिषद थी इसमें एक सदस्य थे, क्या नाम था, क्या नाम बताया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक। तो इसमें आप लोगों ने देखा, इसे नोट करते चले साथ में, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों को सम्मिलित किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो भारतीय सदस्य इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में, दो भारतीय सदस्य इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में, अब इनके नाम लिख लीजिए, भारत परिषद में केसी गुप्ता योंग, सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया। तथा वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि छठा सदस्य जो था वो कैसा, क्या होना उसके लिए मस्ट था, विधि सदस्य होना उसके लिए मस्ट था। जो गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में जो छठा सदस्य हुआ करता था वो विधि आयोग का सदस्य, मतलब विधि सदस्य के रूप में उसको नियुक्ति मिलती थी। तो वो कौन थे, एसपी सिन्हा जी थे, शामिल किया गया। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले, एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें आगे चलकर या बाद में लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया या विभूषित किया गया। थोड़ा कंक्लूजन लिख लेते हैं इसके बारे में कि इससे कुछ बेनिफिट्स क्या थे, ठीक है। लॉर्ड की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इस अधिनियम द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके पूछो, इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था
परंतु वास्तव में इसका मकसद परंतु इस वास्तव में इसका मकसद या उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना राष्ट्रवादी जनता में फूट डालना उलझन में डालना राष्ट्रवादी जनता में फूट डालना यौम भारतीयों के बीच एकता न होने देना, भारतीयों के बीच एकता न होने देना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यौम विशेष सुविधाएं देकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यौम विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया, भारत की एकता को खंडित कर दिया है। किसी एक वर्ग को अगर राइट मिलने लगेगा, उसको सुविधाएं मिलने लगेगी, तो दूसरा वर्ग स्वाभाविक तौर से क्या होगा, कुंठित होगा और उसके उस दूसरे के प्रति क्या होगी, मन में नकारात्मक विचारधारा डेवलप करने लगेगी। तो वही सब सेम प्रयास इन्होंने किया है। फिर भी उपर्युक्त सुधार सर्वथा बेकार नहीं थे, उपर्युक्त सुधार सर्वथा यानी कि हमेशा के लिए बेकार नहीं थे। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय, भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इसी अधिनियम के द्वारा या इन्हीं सुधारों के द्वारा प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात देखिए, जब संसदीय शासन व्यवस्था कहीं पे किसी कंट्री में है, यानी कि डायआरकी व्यवस्था या कहिए या संसदीय शासन व्यवस्था की, तो संसदीय शासन व्यवस्था की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है